फोन, मैं तुझे पकड़ा नहीं हूँ, रुक जा। हाँ आओ, और क्या, अरे तू क्या, तू नहीं आई, समझ नहीं आता। हाँ, जो ऊपर वाला जो सीट है उस पर 3-3 है, और जो नीचे वाला सीट है उस पर 4 से 5 लोग देख सकते हैं। यहाँ पे ये जर्नी के दौरान ना 2 लोग का मोबाइल चोरी हो गया, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट सो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग, आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो दोस्तों, आज का मजा नहीं होने वाला है गाड़ी संख्या 1241 प्रयागराज एक्सप्रेस में, जो कि वीक में 7 दिन चलती है। इस ट्रेन के टाइमिंग के बारे में बात करो तो ये ट्रेन रात को 10:10 पर नई दिल्ली से घूमती है और अगले दिन सुबह को ठीक 7 में प्रयागराज पहुँचाती है। और इस ट्रेन के पूरे 4 हॉल्ट है, और ये ट्रेन 8:50 में लगभग 635 स्टेशन कवर करती है विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। और ये जो ट्रेन है, इसका जो मैक्सिमम स्पीड है उसका 130 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर, क्योंकि जो प्रयागराज एक्सप्रेस है प्लेटफॉर्म नंबर 14 से खुलती है। और देख सकते हैं, अभी तक अपनी ट्रेन है वो आई नहीं है, थोड़ी देर में अपनी ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आने वाली है। तो जब ट्रेन आती है तो फिर अपने ट्रेन का इंटीरियर अराइवल वगैरह सबको दिखाता हूँ, थोड़ी देर वेट करते हैं। फिर कानपुर सेट का वेब 7 है, लोको नंबर है 37221, देख सकते हैं। और ये अपनी प्रयागराज दोस्तों, आप देख सकते हैं ट्रेन लगते हैं किस तरह से। तो दोस्तों, फाइनली अपनी जो ट्रेन है प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे आ चुके हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे। और हाँ गए, अपने ट्रेन खुलने में सिर्फ 10 मिनट थी तभी लगी, और जो चढ़ने वाले थे लोगों को ना, मतलब इतनी जल्दबाजी में चढ़े ना, बहुत से लोगों का चप्पल छूट गया, मेरा खुद जूता बाहर छूट गया था, लेकिन फिर भी मैं जो इमरजेंसी विंडो होता है उस पर से मैं अंदर घुस गया, और जो ऊपर वाला जो बर्थ है वो मैंने ले लिया। और ऊपर वाला जो बर्थ है ना उस पर मैं पूरा लेट गया था, क्योंकि हम लोग 2 लोग हैं और वैसे भी रात का सफ़र है, तो सोने के लिए मुझे मतलब सोने का जुगाड़ तो करना ही था, तो इसीलिए मैं ऊपर वाला जो बर्थ है वो हमने पूरा ले लिया है। तो चलिए, अभी मैं आपको अपने ट्रेन का इंटीरियर दिखाता हूँ। वैसे आप देख सकते हैं आपका जो कोच है बिल्कुल पीछे है, और सामने गाजियाबाद सेट का वैब 5 लगा हुआ है 3007, ये वैब 5। और ये अपना कोच, जनरल कोच का, ये जो गार्ड कोच है, एयर मेजर कोच, उसी के बगल वाला अपना कोच है। तो अंदर निकलता हूँ अभी आपको, और ये रहा ट्रेन का इंटीरियर, देख सकते हैं भीड़ भाड़ जो है वो है अंदर, देख सकते हैं यहाँ पे। और ये वाला जो सीट है, ये वाला अपना सीट है पूरा, हम 2 लोग हैं, देख सकते हैं यहाँ पे भीड़ भाड़ देख सकते हैं। और साफ़ सफाई भी अच्छी है, कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं है, लगेज पे देख सकते हैं यहाँ पे फालतू अच्छी खासी। ये रहा इस ट्रेन के जनरल कोच का हाल, देख सकते हैं कुछ इस तरह। तो दोस्तों, रात के ठीक 10:10 पर अपनी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 से निकल चुके हैं, और जब ट्रेन खुलने में सिर्फ 10 मिनट थी तभी अपने ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आ, जिस वजह से आपसे बात करने का टाइम नहीं मिला मुझे। बाकी का जो बात है जो जर्नी के दौरान करेंगे, तो अभी फिलहाल मैं आपको यहाँ से मतलब नई दिल्ली से अपनी ट्रेन का डिपार्चर दिखा देता हूँ। सामने रहा नई दिल्ली का स्टेशन बोर्ड। तो दोस्तों, अपनी जो ट्रेन है वो नई दिल्ली से निकल चुके हैं, और थोड़ी देर में हम लोग अपने पहले हॉल्ट गाजियाबाद में, जो यहाँ से सिर्फ 25-26 किलोमीटर दूर ही है। और एक बात और, जब भी आप नई दिल्ली से जब आप निकले, तो जो नई दिल्ली का आउटर है वो बहुत ही ठंडा इलाका है, तो इस पर से आप अपने मोबाइल, पर्स, कैमरा, जो कुछ भी हो आप उसका अच्छे से ख्याल रखें, क्योंकि इसका जो आउटर है वहाँ पर स्नैचिंग वगैरह बहुत ही होती है। जो अपने ट्रेन है वो अपनी रफ्तार पकड़ ली है, तो चलिए आपसे मिलते रहते अपने पहले हॉल्ट गाजियाबाद में। अपने कोच के बगल में ही है ट्रेन मैनेजर केबिन, देख सकते हैं यहाँ पे ट्रेन मैनेजर यहाँ पे बैठे हुए हैं, और भी लोग हैं। अरे तो ये खड़े चाहिए यहाँ पे लोग, तो दोस्तों पूरे 25 ट्रिपल स्टेज कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टेशन का पहला हॉल्ट गाजियाबाद कमीशन कोड GZB। ये जो स्टेशन है आता है नॉर्दर्न रेलवे के दिल्ली डिवीजन में, उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में, और यहाँ पर 6 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से
तीन ट्रेनें जनरेट और चार ट्रेन ट्रेवल करती है, साथ साथ यहाँ पे 206 ट्रेनों का हॉल्ट है। और ये जो गाजियाबाद है वो फेमस है अपने इस्कॉन टेम्पल के लिए। और एक बात और, ये जो गाजियाबाद है इसे गेटवे ऑफ उत्तर प्रदेश भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ से उत्तर प्रदेश जो स्टेट है वो यहीं से स्टार्ट होता है। अगर आप गाजियाबाद में आते हैं तो आप समझ लीजिए कि आप उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुके हैं। गजेंद्र उतरे आया तो क्या हो गया, पुलिस है तो क्या हो गया। तो दोस्तों अपनी जो ट्रेन है वो गाजियाबाद से निकल चुकी है। यहाँ पर अपने ट्रेन का पूरे 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे लगभग 15 मिनट डिले आई थी। और दोस्तों ये जो गाजियाबाद है वो आता है दिल्ली कानपुर मेन लाइन पे, और यहाँ से एक लाइन चली जाती है शामली होते हुए टप्पे की तरफ, एक लाइन चली जाती है मुरादाबाद की तरफ, एक लाइन चली जाती है मेरठ होते हुए सहारनपुर की तरफ, एक लाइन चली जाती है दिल्ली की तरफ। चले मैं आपको स्टैंड के कोच कंपटीशन ऑफ फेयर के बारे में बताऊँ। तो इसमें थर्ड एसी के टोटल 3 कोच है, सेकेंड एसी के टोटल 5 कोच है, एक इकोनॉमिक कोच है जो थर्ड एसी इकोनॉमिक, और 9 स्लीपर कोच है। और हाँ, आपको स्टैंड में कोई पेटी कार्ड नहीं है, और हाँ 2 जनरल कोच भी है। और रही बात फेयर की, तो न्यू दिल्ली से लेकर प्रयाग के बीच में इस स्टैंड में स्लीपर का फेयर है 390 रुपये, जो जनरल कोच है उसका फेयर है 210 रुपये, और जो थर्ड एसी इकोनॉमी है उसका फेयर पड़ेगा आपको 945, और जो थर्ड एसी जो प्रॉपर थर्ड एसी है उसका फेयर पड़ेगा 1020 रुपये, जो सेकेंड एसी है उसका फेयर है 1430 रुपये, और जो फर्स्ट एसी है उसका फेयर है 2390 रुपये। वैसे आप देख सकते हैं इस स्टेट में जो भीड़ भाड़ है, 3 लोग इधर है, बगल में भी देख सकते हैं। हाँ, जो ऊपर वाला जो सीट है उस पर 3-3 है, और जो नीचे वाला सीट है उस पर 4 से 5 लोग देख सकते हैं यहाँ पे। वैसे अभी वॉकवे पे कोई भी सोया हुआ नहीं है, और अभी हम लोग आराम से मज़े में अपना सफ़र इंजॉय कर रहे हैं। तो आप ही सफ़र का आनंद लीजिए, चलते हैं तो बैठे अपने अगले हॉल्ट पे। अलीगढ़। तो दोस्तों पूरा 130 किलोमीटर कवर करने के बाद अभी हम लोग आ चुके हैं अपने स्टैंड का दूसरा हॉल्ट अलीगढ़, जिसका डिजाइन कोड है ALJN। और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे आधे घंटे डिले। अलीगढ़ में टोटल 7 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से 4 ट्रेनें उतरें टिकट करती है, साथ साथ यहाँ पे 85 ट्रेनों का हॉल्ट है। और जब पे ट्रेन का यहाँ पे पूरे 2 मिनट का हॉल्ट है, और यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको, चाय पकौड़ा वगैरह सब कुछ मिला है, पानी वानी सब कुछ। जी तो भाई खुले चीज दोगे, खुले पैसे, पानी पानी पानी, पानी बोतल से, पानी नहीं थी दोस्तों, अपने पास पानी नहीं थी तो हमने यहाँ पे पानी लिया, देख सकते हैं यहाँ पे। क्या है आप फान के चले जाओ ना, निकल जाइए आप, क्या करेंगे, सो गए हैं, उनको नींद आ रही थी। तो दोस्तों फाइनली अपनी जो ट्रेन है वो अलीगढ़ से निकल चुकी है, और अलीगढ़ में अपनी ट्रेन का 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन अपनी ट्रेन यहाँ पे 5 मिनट रुकी, जो कि यहाँ पे प्रयागराज हमसफर का ओवरटेक हुआ। यहाँ पे आपको भोजनालय वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, कैंटीन वगैरह। तो दोस्तों अलीगढ़ में हमने लिया ये आलू पकौड़े, और ये जो आलू पकौड़े है वो ठंडे हैं। कई बात है इसके टेस्ट के, इसको खा के बताता हूँ मैं। जितेंद्र भाई है, कैसी लगी भाई आपको?
आलू का जो स्वाद है वो थोड़ा नमकीन चटपटा टाइप का है, मतलब थोड़ा नमक इसमें एक्स्ट्रा है, लेकिन तेल काफी ज्यादा है। ट्रेन की अब तो जितेंद्र भाई को तो अच्छी लगी, लेकिन मुझे अच्छी नहीं लगी भाई, फिर भी खाते हैं भाई, लोग अब जर्नी को एंजॉय करते रहिए। सही से फेंकना चाहे खुद भी ना गिर जाना। तो दोस्तों अभी खबर बताने वाले रात के एक अपनी ट्रेन जो है वो हाथरस को थोड़ी देर में स्किप करने वाली है, तो रात बहुत हो चुकी है, तो अभी मैं जरा सोने मैं तो आपसे कल सुबह। वैसे वाशरूम जो है अभी तक बिल्कुल साफ सुथरा है, ये वाशरूम मैं आपको सुबह में भी अच्छे से दिखाऊंगा, वो अभी चलते सोने, तब तक के लिए गुड नाइट। और आप देख सकते हैं यहाँ ट्रेन में गुटखा तम्बाकू वगैरह सब कुछ मिल रहा है, डीमल रजनीगंधा सब कुछ, सब खाने के शौकीन है लोग बेच रहे हैं, और यही लोग खा खा कर बेसिक गंदा करेंगे। यहाँ पे आंटी जी का मोबाइल चल रहा है, इसी वजह से चिल्ला रही है। The next morning. तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो अभी घर में तो रहे सुबह के छः, और अभी हम लोग आ चुके हैं अपना सेकेंड लार्ज डेस्टिनेशन फतेहपुर, जिसका दर्शन कोड FTP, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं पूरे एक घंटे डिले, समझ सकते हैं एक घंटे डिले हो गई है। यहाँ पर टोटल 3 प्लेटफॉर्म है, और यहाँ से एक ट्रेन हो जाए ट्रेमेंट कहती है, साथ ही साथ यहाँ पर 55 ट्रेनों का हॉल्ट है। और गाइस यहाँ पर ट्रेन में थोड़ी देर पहले मोबाइल चोरी हो गया था, तो आप जब भी ट्रेन में सफ़र करें हमेशा अपने बैग मोबाइल का सब कुछ का अच्छे से ख्याल रखें। और अपने ट्रेन डिले है, जिस वजह से यहाँ पे अपने ट्रेन का सिग्नल हो चुका है, गार्ड साहब ने हरी बत्ती दिखा दी है। तो अभी मैं आ चुका हूँ वॉशरूम के अंदर, सामने देख सकते हैं सामने जो मिरर है छोटा सा बहुत ही साफ सुथरा है, और ये रहा बेसिन, बेसिन में पानी आ रहा है यहाँ पे, और नीचे बहुत सारा गंदगी फैला हुआ देख सकते हैं, लोगों ने जो पान पड़ा गुटखा वगैरह जो खाया है सब कुछ नीचे फेंक रखा है। ये देखिए कमोड साफ सुथरा है यहाँ पे, और ये रहा फ्लश बटन। ओवरऑल बोलो तो स्टैंड का जो वॉशरूम कंडीशन है वो एवरेज है, बदबू थोड़ी थोड़ी सी आ रही है, तो चलते हैं अपनी सीट पर वहाँ से जर्नी को इन्जॉय करते हैं। प्रयागराज जंक्शन, तो दोस्तों अभी हम पहुंच चुके हैं प्रयागराज जंक्शन रेलवे स्टेशन पे।
तो दोस्तों पूरे 635 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करने के बाद फाइनली हम लोग आ चुके हैं अपना डेस्टिनेशन प्रयागराज, दर्शन कोडे PRYJ, और हम लोग यहाँ पहुँचे हैं 15 मिनट डिले। अपनी जो ट्रेन थी वो फतेहपुर में लगभग 1 घंटे डिले थी, लेकिन हम लोग यहाँ पहुँचे हैं सिर्फ 15 मिनट डिले। तो इस ट्रेन के मतलब इससे आप इस ट्रेन के पंक्चुअलिटी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिलहाल प्रयागराज में टोटल 10 प्लेटफॉर्म है और यहाँ से 14 ट्रेनें उज्जैन ट्रेवल करती है, साथ साथ यहाँ पर 205 ट्रेनों का हॉल्ट है। और जर्नी एक्सप्रेस के बारे में, तो जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा। ट्रेन की साफ सफाई और ट्रेन की रफ्तार बहुत ही गजब की है। सिर्फ ट्रेन का जो वॉशरूम था ना वो एवरेज था, रात में भी ट्रेन एवरेज था, मतलब वॉशरूम की साफ सफाई, और सुबह में भी एवरेज ही था, लेकिन कोई बदबू वगैरह कुछ भी नहीं थी। सुबह में थोड़ी सी वॉशरूम से बदबू थोड़ी आ रही थी, लेकिन भाई गुटके वाले जो लोग हैं ना उनसे मैं बहुत ही परेशान हूँ। रात में तो पूरा जो बेसिन है ऊपर तक पानी भर दिया था, और सुबह में साफ़ सफाई हुई फतेहपुर में, जिस वजह से यहाँ पर जो बेसिन था वो साफ सफाई था। ओवरऑल जर्नी एक्सप्रेस बहुत ही अच्छा रहा। और हाँ गाइस, ये जर्नी के दौरान ना 2 लोगों का मोबाइल चोरी हो गया, तो मैं आपको हमेशा सजेस्ट करता हूँ, पहले भी और अभी भी फिर से बोल रहा हूँ, जब भी आप ट्रेन में सफ़र करें तो अपना जो बैग, मोबाइल, पर्स या जो कुछ भी कीमती सामान हो उसका अच्छे से ख्याल रखें। लोग सीट पर बैठे रहते, पता नहीं उनके हाथ से मोबाइल वगैरह कैसे चोरी हो जाता है। एक होता है खिड़की से निकाल लेना, झपट्टा मिलाना, वो बात अलग है, लेकिन लोग बैठे बैठे पता नहीं उनका सामान कैसे गायब हो जाता है, बस समझ में नहीं आता है। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, लाइक कर दीजिए भाई, इससे वीडियो को थोड़ा सा इंप्रेशन बढ़ता है। और चैनल पर नोट सब्सक्राइब कर लीजिए। अब मेरे साथ भी बने रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना ख्याल रखिए, फैमिली ख्याल रखिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।